बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिपिन जी, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का मामला जो पिछले कई दिनों से लंबित है, मामला चल रहा है, क्या लग रहा है उस पर कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि कई बार इसमें जांच भी हुआ, जांच में दोषियों कार्रवाई की बात की गई, क्या कहेंगे? ये हास्यास्पद बात आप पूछ रहे हैं जी। जिस देश की सत्ता, जिस देश के वजीर आजम, जिस देश के प्रधानमंत्री यदि शिक्षा पे ही टैक्स लगा दे 18%, तो वहां तो कुछ भी हो सकता है साहब जी। हर चीज संभव है। मुझे लगता है एजुकेशन में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैंने पूर्व में भी इस पे बोला था, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान का शान है, वहां पे बच्चे आकर के पढ़ते हैं, और उस पे भ्रष्टाचार का आरोप बिल्कुल लगा था। और अभी मैंने एक हाल ही में सुना कि शासी निकाय का जो गठन हुआ है वो बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। अब एक बात बताइए कि आप अपने हिसाब से सारा चीज तय कर लीजिएगा, अपने हिसाब से तय नहीं ना कर सकते हैं। एक और बात उसमें था कि 29 छात्रों का अब 51 हो गया है बगैर नीट का पेपर दिए हुए। जब तक आप नीट का पेपर नहीं दीजिएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, और बगैर नीट का पेपर दिए हुए एडमिशन हो गया। अब बताइए कि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा यहाँ पे चल रहा है, और उसमें फर्जीवाड़ा करने वाले सारे भाजपा के लोग हैं स्टार्टिंग से ही। अब सारे भाजपा वाले लोग तो कहते हैं एक तरफ दूसरी बात और दूसरे तरफ दूसरी बात, यानी अपने आप को बहुत अच्छे साबित करने वाले लगते हैं। तो बगैर नीट का पेपर का एडमिशन कैसे हुआ साहब, मुझे बता दीजिए आप। जब राज्यपाल महोदय ने रोक लगाया है तो शासी निकाय का गठन कैसे हो गया साहब, मुझे आप बताइए। कैसे आपने कर दिया शासी निकाय का गठन? तो ये सारा सवाल जो है ये मेरा, ये बिल्कुल अब क्या कहें इस चीज पे मैं क्या बोलूं। शासी निकाय का अध्यक्ष मां चंद्र सिंह ने कहा था कि पीपी त्रिपाठी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्या हुआ, क्या लग रहा है? पूरा बंदरवाड़ चल रहा है साहब, उसमें पूरा बंदरवाड़ चल रहा है, और सारे भाजपा वाले लोग एक जगह बैठ करके बंदरवाड़ कर रहे हैं। और इसमें ऑलरेडी जांच भी हुआ था, आपको पहले भी हमको लगता है 10 घंटा की 12 घंटा उसमें जांच चला, जांच का रिपोर्ट भी आया, उसके बाद भी क्या क्या चीजें उसमें हो रही है, कुछ पारिवारिक मामला भी चल रहा है। हाँ जी, अब बताइए कि जो ऑलरेडी उसमें प्राचार्य थे पीपी त्रिपाठी साहब, वो चाह रहे हैं कि अब मेरा बेटा हो जाए, उनकी पुत्र वधु जो है वो भी उसी में है, और सारे का हमको पता चला कि जो रिजल्ट वो उनका सर्टिफिकेट है बिल्कुल फर्जी है। तो ये जांच में भी आया है, हर जगह आप लोग न्यूज वाले दिखाए भी थे। तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन वाली चीजें हैं वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का रूप होता है एक डॉक्टर, और यदि वहां पे फर्जीवाड़ा हो, यदि धांधली हो, तो ये कहीं भी कहीं आगे चल करके ये सही नहीं है। किसी की यदि तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि वो डॉक्टर गलत इलाज कर दें तो उनकी देहांत हो जाएगी, यानी जीवन चली जाएगी। तो इसमें एक बेहतर से बेहतर काम होना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सुधांशु त्रिपाठी जो है इंटर का उनका रिजल्ट बार बार दिखाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और कहा जाता है कि वो बीएमएस की पढ़ाई जो है बिना बायो के नहीं कर सकते, और इंटर में बायो था नहीं। ये मैंने अभी सुना था जी। इस प्रकार से एक प्रकरण आया है कि आप वो कैसे हो गए हैं। तो मैं क्या बोला आपको, मैंने स्टार्टिंग में एक ही बात बोला कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार वहाँ चल रहा है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, मुझे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं उनसे, ना ही वो मुझे जानते भी हैं पहले से। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एजुकेशन वाले क्षेत्र में वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर जो होते हैं भगवान के स्वरूप होते हैं, और उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता है किसी कारणवश यदि बेहतर ढंग से इलाज ना हो वो मर जाए तो उनकी तो जीवन चली जाए। तो मेरा आग्रह रहेगा कि वहां भ्रष्टाचार ना हो। आपकी सरकार अगर आती है तो क्या आप लोग इस पे काम करेंगे, क्योंकि अभी तो आप ही लोग की सरकार थी लेकिन आप लोग कुछ किए नहीं है। देखिए, सरकार आती है, मैं पूर्व में भी बोला था, हम लोग सरकार में भी थे तब भी हम बोले थे उस पे, और आने वाले समय में जहां पे भी जाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग जाएंगे। और एक आदमी थोड़ी साथ में है, भाजपा वाले लोग भी बोले हैं, अरे दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के मामले पे बीजेपी वाले लोग भी बोले हैं, नीरज तिवारी भी बोले हैं, उसमें हमारे आरजेडी से भी लोग बोले हुए हैं, यानी जेडीयू वाले लोग भी बोले हुए हैं, यानी तमाम पार्टियों के लोग जो चाह रहे हैं
कि एजुकेशन को सुदृढ़ किया जाए, वो बेहतर ढंग से चले, क्योंकि सिवान में है और सिवान के एक बड़ा गौरव है, तो बेहतर ढंग से चले, तो जो अच्छे लोग हैं वो बोल रहे हैं और जो लोग अच्छे नहीं हैं उनको खराब लग रहा है।